इधर बैठ, ये लड़का तुझे देखने आया, ये आंचल पीते कर ला ताकि तेरा मुंह देख सके। तूने दुल्हन देख ली, कितनी सुंदर है, बहुत पसंद है तुझे। छोटी मिस साहिबा, अभी नकली बाबू को डब्बे में बंद कर दो, अब असली दूल्हा सरला को देखने के लिए आ रहा है। झूम रहा है मेरा मन देखो झूम रहा। मन का सितार बोले रे, सितार बोले हाँ, सितार बोले जैसे सावन में ठंडी बेयार डोले, जैसे सावन में ठंडी बेयार डोले, हाँ बेयार डोले, हाँ सावन मेरी आँखों में प्यार बोले रे। झूम रहा है मेरा मन देखो झूम रहा। बजाए नैनों से नैन मिले, नैनों से नैन मिले, नैना शर्माए, नैनों से नैन मिले, नैना शर्माए, मोरे नैना शर्माए। आज मेरा भोला मन कितने चरण चूम रहा, कितने चरण चूम रहा, झूम रहा, झूम रहा है मेरा मन देखो क्या ये नाचने गाने का वक्त है? अभी तुझे दूल्हा देखने आएगा, भिखारिन की तरह उसके सामने जा बैठेगी। नहीं माँ। तो कपड़े क्यों नहीं बदले तूने? अभी तक आपने दिए ही नहीं। धीरे बोलो, शोर न मचा। मैंने तुझे कपड़े नहीं दिए? मैं क्या तेरी नौकरानी हूँ जो तुझे दूँ? तू क्यों नहीं लाई? लेकिन आप। धीरे बोलो, शोर न मचा। तू लोगों को ये दिखाना चाहती है कि तेरी सौतेली माँ तुझे अच्छे अच्छे कपड़े नहीं देती, तुझसे बुरा सलूक करती है। ले ये कपड़े, ये गहने, और जल्दी तैयार हो जा। अच्छा माता जी। धीरे बोलो, शोर न मचाओ। धीरे बोलो, शोर न मचाओ। खुद तो बिगड़ी हुई है और मेरी लड़की को भी बिगाड़ रही है। चूरी डायन, तुझे कुछ गहने वहने नहीं पहनने? चल चल जल्दी। जब देखो तब सरला दीदी, सरला दीदी, सरला दीदी क्या तुझे लड्डू देती है? मैं तो तंग आ गई तुम्हारी सरला से। भगवान जाने कब इसकी शादी होगी, कब निकलेगी यहाँ से। सुनते हो कुछ? आखिर क्या पढ़ रहे हो जो सुनाई नहीं पड़ता? कुछ नहीं, अपने यहाँ राम मंदिर में वो अमोला वाले गुरु महाराज है ना, आज उनका कीर्तन है। रहने दो ये कीर्तन उर्तन, पहले ये बताओ कि इस चूढ़े से मेरा पीछा कब छुड़ाओगे? अभी अभी इसी की मनुष्यत से मेरा बच्चा चल बसा, इस बार मेरे पूरे दिन होने के पहले इसे निकाल बाहर करो, ताकि मैं इस कलमुही का मुंह भी न देख सकूं। तो मैं कब देखना चाहता हूँ? जब से पैदा हुई घर तबाह हो गया। और क्या, मैंने कहा
लोग दुल्हन देखने आने वाले हैं, कपड़े पहनकर अच्छी तरह तैयार हो जाए। तो कहने लगी, तुमने कपड़े ही नहीं दिए, कुछ न कुछ बात खड़ी करके बस लड़ाई पर उतारू हो जाती है। लेकिन माँ, अलमारी की कुंजी तो तुमने। चुप। अरे हो गया, तुम फिक्र न करो, ये रिश्ता पक्का हो जाएगा। गिरीश पढ़ा लिखा सुधारक लड़का है, वो सरला से जरूर शादी करेगा। पहले अपने घर से तो ये बला टले, फिर जहन्नम में जाए, हमें क्या। बड़ी आई नाच सीखने वाली, खानदानी घरों में कोई नाच सीखता है? चला यहाँ से। तू बड़ी नटखट। मैं नहीं, मैं। ओहो, वारे आपका सिंगार, मैंने ऐसा सिंगार करने को कहा था। क्या हुआ? धीरे बोलो, शोर न मचाओ। तुम एक अच्छे घराने की लड़की हो, जरा आईने में अपना मुंह तो देखो। हवा लगती जाती है नए जमाने की। लाओ ये झूमर और जल्दी आओ नीचे। लड़की के नाक नक्शे से तड़क पड़क ज्यादा दिखाई देती है। अरे लड़की नहीं, लड़की की माँ है। तीसरी अरे शादी किसकी है, सरला की या तेरी? छोटी लड़की की कल शादी होती है, जब मैं भी सरला दीदी जैसी मोटी हो जाऊंगी तब मेरी भी शादी होगी, समझे बूढ़े बाबा। बैठ जाओ बेटी। पसंद है लड़की? तुम्हें दूल्हा देखना है ना? हाँ। ये देखो। अच्छा, तो आप हैं? हाँ, पसंद है। ये क्या पूछते हो? अपने दूल्हों से पूछो ना। Thank you.
दीदी बोलो ना, बोलती क्यों नहीं? बोलो दीदी, दीदी बोलती क्यों नहीं? आओ प्रेमा। तू क्यों रो रहा है? क्या तेरा पति भी तुझे छोड़ गया? आंखें फाड़ कर क्या देखता है? काम कौन करेगा तेरा बाप? चल अपना काम कर। और तुझे क्या हुआ? तेरी माँ तो अभी जिंदा है। चल यहाँ से, चल चल। सब ढोंगी हैं। काम न करना हो तो सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। खाना क्यों नहीं खाया? क्या तुझे खाना खिलाने के लिए तेरा मरा हुआ पति आएगा? इन पर आप इस तरह क्यों बरस रही हैं? ये बेचारी तो अपने ही दुख में डूबी हुई है। आप जाइए, आराम कीजिए। और यहाँ काम कौन करेगा? इसकी मरी हुई माँ? सरला की माता को ऐसा न कहिए, वो एक देवी थी। जब वो जिंदा थी तो इस घर में कैसी शांति रहा करती थी। धीरे बोलो, शोर न मचा। मैंने इस घर की शांति छीन ली, यही कहना चाहता है तू? मेरे सामने बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती? तेरी उम्र का ख्याल ना होता तो चाटे रस्सी कर करके तुझे बेहाल कर देती। तो लगाइए चाटे। बातों के तीर चलाकर जो आप दिल पर जख्म लगाती हैं, उनसे तो ये चाटे अच्छे हैं। हाँ राम, मेरी बातें तीर है, जख्म लगाती है। ये तू मुझे सुनाए और इस अभागिन के लिए देख लिया हमारी। आज तेरे ही कारण ये नौकर मुझे दबाव लगाता है, मेरी बेइज्जती करता है। माता जी, धीरे बोलो, शोर न मचाओ। तुम चुप रहो चंदू काका, मेरे लिए मैं कुछ ना कहूँ। नहीं, अब तुझे इन बहानों की जरूरत नहीं। मैं खुद इस घर में नहीं रहूंगी। ये घर नहीं, नरक है। अरे क्या हुआ, क्या बात है? कुछ नहीं, मैं अपने मायके जा रही हूँ। ये घर मेरा नहीं, इन दोनों का है। इन्हें ही संभालने दीजिए, इनकी राज औरत शादी कीजिए। जमुना, ये तुम क्या कह रही हो? जमुना मर गई, अब इस नौकर के साथ मिलकर आपकी लाडली बेटी राज करेगी। क्या बात है, बता जल्दी, जवाब दे। क्या कहा इसे तूने? पिताजी, मैंने कुछ नहीं कहा। मालिक, सरला की कोई भूल नहीं, कसूर मेरा है। मैंने जब सरला पर जुल्म होते देखा। जुल्म? मैंने जुल्म किया? सुना आपने? हाँ राम, मैं यही सुनने के लिए जिंदा थी। मुझे मौत क्यों आ गई? माल का थोड़ा नौकर उसे ना थे। चंदू, तू इस घर में रहने का काबिल नहीं। पैसा निकल जाए इस घर से। मैं पैसों के लिए इस घर में कभी नहीं रहा। मैं आ रहा हूँ सरला बिटिया के लिए। इसकी माता ने मरने के पहले मुझे कहा था सरला का ख्याल रखना। मेरा ख्याल न करो, माफी मांग लो पिताजी से। बहुत माफियां मांगी है, अब बोलने का वक्त आया है। यहाँ मेरे रहने का कारण सरला की माता है। उसी देवी ने अपने ब्याह पर मेरा खेत महाजन से वापस दिलाकर मेरा उजड़ा हुआ घर फिर से बसाया था। जब एक साल तक बीमार होकर वो देवी बिस्तर पर तड़पती रही, सरला डेढ़ बरस की थी, सरला को संभालने के लिए और उसकी तड़पती हुई बाप को पानी देने के लिए आप वहां नहीं थे। आपका ये नौकर था, आप उस वक्त विषा के कोठों की सैर किया करते थे। चलो, क्या तुम भी जा रहे हो चंदू काका मुझे छोड़ के? क्या मैं सचमुच अभागिन हूँ? ऐसा न कहो बिटिया रानी, दुख के दिन किसे नहीं देखने पड़ते। ये भी क्या बददशी भी है? भगवान सबको अच्छे दिन दिखलाता है, धीरज धर के आगे बढ़ना चाहिए।
बाबूजी दूध मांगते। इस मनुषा से दूध न छूना, जमुना गर्भवती है, उसी को देना है ये दूध, न जाने तेरा हाथ लगने से क्या हो जाए। बेशरम दही की। मेरा एक बार करो रानी, लो ये दूध पी लो। अरे वो सब झूठ है जो कुछ भी चंदू ने कहा। सब झूठ है। जब प्रेमा की पैदाइश के वक्त तुम मेरे मय के अमोला में आए थे, उस वक्त भी मंदिर वाले माधव काका तुम्हारे बारे में यही कह रहे थे। अरे तुम्हारे माधव काका तो दीवाने हैं, दीवाने। माधव काका तो दीवाने हैं और तुम बड़े होशियार हो। अच्छा भाई, मुझे ही दीवाना समझ लो। समझ क्या लो, तुम सचमुच ही दीवाने हो। अच्छा बाबा, जो जी में आए कह लो, लेकिन चुप तो रहो। नहीं चुप रहती। तुम्हें अगर यही धंधे करने थे तो शादी क्यों की। तुम्हें लड़का होगा इसलिए। जाने भी दो उसे। तुम तो बताओ पहले क्या चाहिए तुम्हें। इस हालत में मैं घर का काम नहीं कर सकती। तो रख लो ना दूसरे नौकर चाकर। अभी देख तो लिया एक नौकर का नतीजा, इसलिए अगर मेरे मायके के लोग आ जाए तो क्या हर्ज है। बस इतना ही तो इसके लिए इतना तुम्हार मानने की क्या जरूरत थी। अभी तार देता हूँ। मगर तार में ये जरूर लिख देना कि प्रेमा की सालगिरह है। पंडित बद्री प्रसाद का घर यही है जी। वो घर में है जी? हाँ। मेरी बहन जमुना भी घर में है? नहीं, कोई खास बात नहीं। मैं बद्री प्रसाद को खूब जानता हूँ। क्या नौकरानी रखी है कि मालिक को भी नौकर बना दे। गाड़ी अंदर लाओ। आइए बहने साहब, आइए। मैं कहिएगा जनाब, जितनी जल्दी आपका तार पहुंचा उतनी जल्दी हमारी मोटर पहुंची कि नहीं। मगर ये मोटर यहाँ क्यों लाए? स्टैंड पे क्यों नहीं खड़ी थी? यानी ये मोटर किराए की नहीं साहब, हमारे भोंदू दादा के है, गुड़ की मंडी में जमादार है, वही के सामान धोने वाली मोटर है ये। और ये अंदर खुशते हैं लोग, सब आपके मेहमान है। हेलो, मैंने लड्डू खाएंगे। अरे वो भैया। हाँ जमनी, हम लोग आ गए। अरे जरा धीरे चलो। हाँ तो ये बात है, हमारे भांजी साहब तशरीफ लाने वाले हैं। जरा बुढ़ापे में हमारे बहनोई साहब का रंग तो देखो। ये तो ठीक है, लेकिन अपनी जगह तो नहीं। पहली शादी तो हो जाने दो। शादी शादी क्या करते हो भैया, अपने वो मंदिर वाले माधव काका की लड़की अब बड़ी हो गई होगी। साथ आया है ना, पक्के हो जाए तो यही सही है। माधव काका भी तो साथ आया है। माधव काका। हाँ। राम राम। कहाँ है मम्मी? माधव काका, हमारे तोता की दुल्हन कहाँ है? आई है ना, लदाकिया है। गंगी नीचे उतर दीजिया। मगर दुल्हन जरा ननी है। काका कैसी बात करते हो, लड़कियाँ चुटकी बजाते बढ़कर खजूर हो जाती हैं। देखो ना हमारी इस छोकरी को कितने जल्दी बढ़कर भैंस हो गई है। ये सरला है? हाँ सरला है। अरे 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 क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं, लेकिन बिना आपके उठाए मैं नहीं लूंगा। उठाए मुझे, क्या आप मुझे माफ करना नहीं चाहती? अच्छी बात है।
मैंने सुबह बड़ी फोन की, आपको नौकरा ने कहा आपके पिता के बारे में बहुत बुरा भला कहा। मेरी बहन कितनी बेवकूफ है, ऐसी गोरे गोरे नाजुक हाथों से काम लेती है। मेरी बहन की परवाह न करो, उसे मैं ऐसा ठीक कर दूंगा कि वह भी याद रखेगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, अब तुम मत घबराओ। क्या बबक आ रहा है, कितनी देर से जमुना पुकार रहे हैं, जल्दी जा। अब जाता हूँ। अरे चमके है तोता, किसी नौजवान लड़की के साथ बात करने का ढंग भी नहीं मालूम। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बहुत तेरी बात नहीं हूँ। मेरा ब्लाउज कहाँ है? क्या हुआ इन साड़ियों का मालकिन? हाँ ये देखिए, ये देखिए। हाँ ये अच्छी, दाम बोलो। कुछ नहीं, ये सिर्फ 800 रुपए। हाँ ये खरीद ली। दीदी के लिए भी एक साड़ी खरीदे ना। चुड़ैल तुझे तो आज तेरी सालगिरह है, अब तू बड़ी हो गई है, अपनी माँ की थोड़ी अकल सीख। क्या सरला को बुला? सरला दीदी, माँ तुम्हें बुलाती है, एक बड़ी अच्छी चीज। चला चला। बर्तन साफ कर रही है ना, उसी के साथ सिद्धा ने भी साफ कर रहा। मैं इसलिए आया कि सरला के लिए जमुना से कहिए ना, आप सरला के बाप है, उसकी फिक्र आपको ही करनी चाहिए। मेरे सामने उसका नाम भी न लो, जब से पैदा हुई घर चौपट हो गया, मर जा तो भी कोई हर्ज नहीं। क्या गुपचुप चल रही है साले बहनों में? कुछ नहीं, आज शाम को नाच होने वाले हैं ना, उसी बारे में। हाँ कितनी अच्छी दिखती है तू इस साड़ी में। चलिए ना। कहाँ? जलसे के लिए लोग आ रहे हैं। आने दो। हटिए। नमस्ते। यहाँ क्या खड़े हैं सुरक्षण? कुछ काम धंधा नहीं है? सब हो गया। काम जल्दी खत्म करके नाच देखने को तैयार हो गए, शर्म नहीं आती? दोपहर को पिज्जा ने साफ करने को कहा था तो इतने आदमियों के सामने मेरी बेइज्जती करके चले गई। ऐसा साया था कि दो चार चाटे रसीद कर दो। बोल पिज्जा ने साफ क्यों नहीं किया? चल बोल 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 पिज्जा ने क्यों नहीं साफ नहीं? बोल जमना जमना आई बड़ी आई नाच देखने चल। सुनो सुनो हे नर नारी, ये कथा पुरानी है, ये कथा पुरानी है, ये
पुरानी है। जनक राज की बेटी प्यारी हुई स्वयंवर की तैयारी, एक धनुष आएगा भारी, एक धनुष आएगा भारी, जो भी उसकी दौर चराए वही सिया का पिया। उसी की सीता रानी है, उसी की सीता रानी है, ये कथा पुरानी है। देश देश के राजा आए भेष बनाए, रावण आया उसे देख राजा घबराए। लक्ष्मण राज कुंवर मतवाले, कुंवर मतवाले, कुंवर मतवाले, विश्वामित्र गुरु भी आए दाढ़ी वाले। देख देख कर हंसता है रावण अभिमानी है, रावण अभिमानी है, अभिमानी है। हाथ लिए जयमाला सीतारानी, पापी रावण की आंखें ललचाई। सीता ने तब चारों ओर नजर दौड़ाई, रामचंद्र की सब नैनों में खाई। सिया सोच कर मन की मन अपनाई, कोमल तन है राम और पर्वती धनुष उठानी है। और पर्वत की तन उठानी है, उठानी है, उठानी है। चले प्रजा दिया मगन है दिया नयन शर्माते हैं, आसमान के फूल नचते नगनादी मुस्काते हैं। रामचंद्र को सीता रानी ने पहनानी जयमाला, दोस्तों के मधुर मिलन की अमर कहानी है, अमर कहानी है, ये कथा पुरानी है, ये कथा पुरानी है। सरला देवी, तुम यहाँ आखिर क्यों बैठे हो? सब लोग मौज कर रहे हैं और तुम रो रही हो। रो न सरला देवी, तुम्हें देखकर मुझे बहुत तरस आता है। सरला, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अब कहे बिना नहीं रह सकता। जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। चले जाओ यहाँ से। सरला, मेरे दिल में आग लगी हुई है और ये आग तुम्हारे प्रेम से ही बुझ सकती है। बदमाश पापी। पापी, इसमें क्या पाप है? तुम्हारा पति नहीं है और हमारी पत्नी नहीं है। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो अभी पिताजी को बुलाती हूँ। तुम्हारे पिताजी मेरा क्या कर लेंगे? वो क्या क्या करते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं ये सब कुछ मुझे मालूम है। मेरी बात मानो नहीं तो।
ये क्या चल रहा है? मुझसे क्यों पूछते हो? इनसे पूछो, इन्होंने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया था? मैंने? हाँ हाँ तूने, जिस वक्त नाच में सीता ने राम के गले में जयमाला डाली उस वक्त तेरी नशीली आंखों ने कौन सा इशारा किया था मुझे? तू इतनी गिर गई? नीच कहीं की। माताजी, मेरा कोई दोष नहीं। मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ, तुझे शर्म नहीं आई? आग लगे तेरी जवानी को, मेरे ही भाई के साथ मोहब्बत का नाटक शुरू कर दिया, तुझे मौत क्यों नहीं आती? पिताजी, माताजी मेरे दिल की बात नहीं समझ सकती, आप समझ सकते हैं। मैं इस घर में रह के नौकरानी की तरह काम कर सकती हूँ, सबके पांव दबा सकती हूँ, हंसते हंसते सब जुल्म सह सकती हूँ, लेकिन ये नहीं देख सकती कि मेरी कुर्सी पर हाथ डाले। पिताजी मेरी मदद कीजिए, पिताजी। बात खुद करती है और अपने पिता को झूठा रोना दिखाती है। चलिए अब जी कैसा है? रोती क्यों हो? क्या बात है? कुछ बताओगी? दुख की कहानी सुनाने से दुख हल्का हो जाता है, बोलो। मैं अभागिन हूँ, इस दुनिया में मुझे किसी का सहारा नहीं। जिसका संसार में कोई ना हो उसका सहारा भगवान है। भगवान का ही तो सहारा लेने के लिए मैं जा रही थी। आत्महत्या से? आत्महत्या से तो भगवान का सहारा नहीं मिलता। भगवान का सहारा लेने के लिए आदमी को दुखों के तूफान में भी जिंदा रहना पड़ता है और बहादुरों की तरह हंसते हंसते उनका मुकाबला करना पड़ता है। निराश होने से तो काम नहीं चलता। दुनिया की ठोकरों से हिम्मत हार कर आदमी को पीछे हटना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन एक कबला सुहाग की बिंदिया के बिना कैसे आगे बढ़ सकती है? क्या कहा? हाँ, मैं एक विधवा हूँ, सवेरे कुंवारी, दोपहर को दुल्हन और शाम को विधवा। अरे फिर रोने लगी? तुम विधवा हो ये तुम्हारा तो कसूर नहीं,
जो होना था हो गया, भूल जाओ उसे। अब तुम्हें एक ऐसा सहारा मिलेगा जो कभी किसी को निराश नहीं करता। यहां आओ, आओ। यहां आकर रोज इन चरणों में प्रेम के फूल चढ़ाया करो, तुम अपना दुख भूल जाओगी। आप मेरा दुख दूर करने की तो हमेशा कोशिश करते हैं, लेकिन अपने बारे में क्यों कुछ नहीं कहते? अपने बारे में कुछ है ही नहीं तो कहूँ क्या? झूठ। कल जब मैं आपके कमरे में आई थी तो आप उदास क्यों थे? बताइए। क्या बताऊँ, जब कभी माँ की याद आ जाती है तो मुझे कुछ सूझता ही नहीं। पैदा होते ही पिताजी चल बसे, घर में गरीबी। बेचारी माँ ने दूसरों के घरों में काम धंधा करके मुझे बड़ा किया और मैं उसे कोई सुख नहीं दे सकता। लेकिन इस साल तो आप बीए होने वाले हैं, नौकरी कीजिए और माँ का सुख दीजिए। लेकिन वो दिन ब दिन कमजोर होती जाती है। कभी कभी ये सोचकर मुझे बड़ी निराशा होती है। तो आप जो मेरे सामने बहुत खुश दिखाई देते हैं, ये क्या सिर्फ मुझे खुश करने के लिए? नहीं, मगर ना जाने क्यों जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो अपनी ज्यादातर तकलीफें भूल जाता हूँ। और जब मैं आपके साथ रहती हूँ तो अपनी सारी तकलीफें भूल जाती हूँ। रोज की बनिस्बत आज जरा जल्दी अंधेरा हो गया। हाँ, ये बेवक्त के बादल भी आज जरा जल्दी आ गए। तुम जल्दी घर लौट जाओ, नहीं तो बेकार तुम्हें तकलीफ होगी। तकलीफ तो रोज की है। बे माँ की बेटी को जब पिता भी ठुकरा देता है तो उसकी जिंदगी भी कोई जिंदगी है। मगर ये कितने दिनों, शादी होने तक? और कोई दूसरी बात भी आती है आपको? अच्छा अच्छा, रूठो नहीं, चलो घर चलो। सावन की घटाओ धीरे धीरे आना, धीरे धीरे आना। सावन की घटाओ धीरे धीरे आना, धीरे धीरे आना। बेदर्द दिलियो, बेदर्द दिलियो, खोर नाम जाना तुम, खोर नाम जाना। सजनी का मेरे नाजुक बदन है, नाजुक बदन है, भोला है मन डर जाए ना, डर जाए ना। भोला है मन डर जाए ना, डर जाए ना। सावन की घटाओ धीरे धीरे आना, धीरे धीरे आना। सावन की घटाओ धीरे धीरे जाना, ओ
धीरे धीरे गाना जाना ओ कहीं भूल न जाना सजने को तेरे बादल की गरज बिजली की चमक करवाया हाँ बिजली की चमक करवाया हाँ करवाया सावन की गदाओ सावन की गदाओ धीरे धीरे आना ओ धीरे धीरे आना धीरे धीरे अरे वाह तुम तो कहती थी कि तुम्हें बादल तूफान बिजली किसी की भी परवाह नहीं अब क्यों डरती हो जब कोई सहारा नजर आता है तो डरने को जी चाहता है लिपट जाते हैं वो बिजली के डर से इलाही ये घटा दो दिन तो बरसे ओ सरला फिर नदी में डूबने जा रही हो हाँ हाँ तो जरा ठहरो मुझे भी तैयार होने दो क्यों पानी से बाहर निकालने के लिए अब ये मौका हाथ नहीं आएगा नहीं तो अब रोनी सरला नहीं रही अब सरला आगे बढ़ना चाहती है अब तुम ऐसी सुंदर दिखाई देती हो जैसे कमर में खड़ी हुई लक्ष्मी और आप कैसे दिखाई पड़ते हैं मालूम है जैसे लक्ष्मी के पास सूंड में माला लिए हुए हाथी बात कुछ जची नहीं जानती हूँ मैं कौन हूँ कौन मैं हूँ समुद्र मंथन से लक्ष्मी को बाहर निकालने वाला श्री विष्णु भगवान अरे वाह इसमें हंसने की क्या बात है सच विष्णु भगवान ने लक्ष्मी को समुद्र से बाहर निकाला और मैंने इस लक्ष्मी को नदी से बाहर निकाला रहने दीजिए इस समय तुम्हारा चेहरा ऐसा दिखाई देता है जैसे तालाब में कमल और ये पानी की बूंदें जैसे बरखा की रानी ने तुम्हारी मांग में उदय बाबू क्यों क्या हुआ मेरी मांग की बात न कीजिए अब ये मांग संदूर से खाली है उदय बाबू मैं आपके संग रहकर ये भी भूल गई कि मैं एक विधवा हूँ तुम एक बात और भी भूल गई हो कि तुम एक नौजवान औरत भी हो इसे भी क्या जवानी कह सकते हैं जिसकी मांग संदूर से खाली हो तुम्हारी मांग में भी सिंदूर लग सकता है आज तक विधवा की मांग में जिसने भी सिंदूर भरने की कोशिश की समाज ने उसके हाथ काट दिए समाज सिर्फ उनके हाथ काट सकता है जो कमजोर हो सच अगर ये हाथ हमेशा के लिए इसी तरह मिले रहे तो सरला देवी अगर इस वक्त तुम्हारी सौतेली माँ यहाँ आ जाए तो नमस्ते नमस्ते क्यों क्या बात है उदय बाबू आपकी माँ बीमार है आप जल्दी चले जाइए आप मर्द होकर निराश हो रहे हैं उस रोज आप मुझे ही नसीहत कर रहे थे कि इंसान को आगे बढ़ना चाहिए घबराना नहीं चाहिए आज आप खुद घबरा रहे हैं जो जी चाहे कहो लेकिन मेरी माँ को जरा सा भी दुख हुआ तो मेरा दिल तड़पने लगता है उसके सिवा मेरा और है ही कौन वो बहुत कमजोर हो गई है सरला बताओ क्या मेरी माँ अच्छी हो जाएगी आपके जाते ही आपकी माँ अच्छी हो जाएंगी तुम्हारे मुंह में शक्कर भगवान करे तुम्हारे अच्छे भाग्य से मेरी माता को आराम हो जाए मेरे अच्छे भाग भगवान मेरी उम्र भी आपकी माता को दे आप वापस कब आएंगे माँ के अच्छे होते ही मैं जाता हूँ
माँ के लिए कुछ फल लेते जाइए। आपके हाथ का फल खाते ही माँ को आराम आ जाएगा। इतनी देर कहाँ रही अभागिन? मुझे अभागन ना कहिए, मुझे दुख होता है। धीरे बोलो, तू रही कहाँ? भगवान राम के मंदिर में। 3 घंटे वहाँ क्या करती रही? भगवान से प्रार्थना करती रही। अकेले या कोई साथ था? एक था मेरे साथ। कौन? भगवान। बहुत बातें बनानी आ गई है तुझे? मैं कहती हूँ 3-3 घंटे बाहर रहती है, अब हम लोग अमोला जाएंगे और तू बाहर फिरेगी, होगा ना ये घर बर्बाद, नाक कटाएगी ना अपने खानदान की। दीदी भी साथ चले? इस अभागिन को साथ ले चलो, तुम्हारे भाई का जन्म होने वाला है। मैं खुशी खुशी अपने मैके जा रही हूँ और साथ ले जाऊँ इस अभागिन को। माँ बेटा बेटा, मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूँ माँ। मेरा फल तो तू है बेटा। माँ तुम बूढ़ी हो गई हो और बीमार रहती हो, मुझे हर वक्त तुम्हारा ही ध्यान रहता है। बेटा मैं बूढ़ी हूँ बीमार हूँ, लेकिन अपनी बहू देखे बिना मरूंगी नहीं। बीमारी की चिंता न कर, वो तो तुझे देखते ही चले जाते हैं। माँ सरला ने भी ऐसा ही कहा था। सरला? कौन सरला? अभी आपने कहा था बहू देखनी है, कौन जाने बेटे ने आपके लिए बहुत देख ली हो। तू बड़ा नटखट है, मुझे बताया भी नहीं मेरी बहू कैसी है। बिल्कुल तुम्हारे मन की है माँ, अब के इम्तिहान के बाद तुम्हें साथ ले चलूंगा और दिखाऊंगा सरला कैसी है। इस दुनिया में सिवा माँ के मेरा कोई नहीं, और ये जो तुम्हारी तस्वीर की पूजा करती रहती है ये तुम्हारी कोई नहीं? हाँ कोई नहीं। कोई नहीं, मुझे वहम हो गया मैं कोई नहीं, इसीलिए तो तुम जल्दी आए नहीं, झूठे कहीं थे। अच्छा नहीं आते तो ना, अब मैं भी नहीं आऊंगी। आऊंगा कैसे नहीं, तुम तो मेरी खुशनसीबी हो, कोई अपनी खुशनसीबी को घर से जाने देता है? उदय बाबू आपकी माँ कैसी है? यही तो कह रहा था कि ये तुम्हारी खुशनसीबी का असर है। तुमने कहा था ना कि मेरे जाते ही माँ को आराम हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। मैं समझती थी कि मैं बदनसीब हूँ, मगर आज से मिलते ही खुशनसीब बन गए। एक कामना दिल में बहुत दिनों से छुपा रखी थी। क्या? कि आपको अपने हाथ से खाना खिलाऊं। अपनी माँ से पूछ लिया है? माता जी और पिताजी अमोला चले गए, आज शाम को घर पर जरूर आइएगा। बहुत अच्छा, भूलिएगा नहीं। आई क्या देख रही हो? सूट। और तुम क्या देख रही हो? साड़ी। अच्छी है तो? पहनने वाली ज्यादा अच्छी है। अंदर चलिए ना। नहीं, मेरी आंखें और मेरे पांव यहां से हिलना नहीं चाहते। कहां चले? दरवाजा बंद कर ले। नौकर हाजिर है? यह है मेरा कमरा। ओ, अच्छा है। पहले मेरी माँ का था, यह है मेरी माँ। Thank you.
क्यों देख रहे हो? तुम्हारा चेहरा बिल्कुल माँ की तरह। आप बड़े वो हैं। यहाँ बैठिए, मैं खाना पोस कर आपको बुलाती हूँ। डर गए। मुझे डर लगता है। क्यों? अकेले हूं ना घर में। तुम मुझे क्या बुलाया? खाना खाने के लिए तैयार है, बैठिए ना। एक ही थाली में? क्या हुआ? एक ही थाली में कौन खाना खाते हैं जानते हैं? नहीं, कौन? पति पत्नी। तो बैठो ना। हटिए। तो तुम नहीं खाओगी? नहीं। तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अच्छा तो मैं खाती हूँ। ये क्या, खाइए ना। तो मैं ही खाता हूँ। देखो तो क्या लगा है तुझे? आ रहने दीजिए। नहीं सच, जरा आईने में तो देखो। अपनी माँ के हाथों का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। माँ के बाद आज पहली बार मुझे तुम्हारे हाथों का खाना बहुत अच्छा लगा है। मैं भी हर रोज खाना परोसती हूँ, लेकिन जितनी खुशी आज हुई है कभी नहीं हुई। सरला, क्या ये नहीं हो सकता कि हम हर रोज इसी तरह मिलकर खाना खाया करें? ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है अगर दो थालियां ना रहें, एक हो जाए। मैं अपनी माँ के सामने बैठकर खाना खाया करूं और मेरे खाने के बाद मेरी थाली में तुम्हें खाना पड़े, मेरी माँ कितनी खुश होगी? आपकी माँ खुश होगी, लेकिन मेरी ये माँ कभी ऐसा नहीं होने देगी।
वो दिन भी आ सकता है कि अपनी मां के सामने तुम मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया करो। मुझे विश्वास नहीं होता, पिताजी बहुत सख्त हैं। एक दिन अपने दोस्त से कह रहे थे कि हमारे खानदान में विधवा की शादी कभी नहीं हो सकती। छोड़ो इन्हें, ये दोनों हमें सुखी नहीं दे सकते। ऊपर चलो अपनी माँ के पास। ये माँ हमें सुखी देख सकती है, ये माँ चाहेगी कि हम कभी एक दूसरे से अलग ना हो, एक साथ रहें। आज हम दोनों जीवन साथी बनेंगे, हमारी शादी होगी। ये आप क्या कहते हैं, कभी ऐसी भी शादी हुई है? हाँ हुई है, शकुंतला और दुष्यंत की, और आज होगी सरला और उदय की। अब मैं तुम्हारा हूं और तुम है। फक्कड़ लड़कों की तरह सीटी बजाते हुए मैंने आपको कभी नहीं देखा। रोज सवेरे ट्यूशन और शाम को बगल में किताब दबाए हुए नदी किनारे वाले राम मंदिर में, बस जब देखो तो मुंह इस तरह लंबा लंबा, कभी माँ का आ गया तो बस रोना, नहीं तो पागलों की तरह आंखें फाड़े हुए बस देखते रहना। और आज ये मुस्कुराहट कहां से लाए बाबू साहब? अरे मालिक, मेरे लिए एक मकान तलाश करो, कम से कम 3 कमरे हों, एक रसोई, एक मां के लिए और एक फिर उदय बाबू हैं? हाँ। ये खत सरला को दे देना। फल वाला एक Thank you.
लिया बेटा जो कुछ होना था। तेरा इधर हो तकदीर, पागल पागल हो गया। माँ मैं तुम्हारे लिए फल आया हूँ। माँ मैं तुम्हारे लिए फल आया हूँ। बेटा बाबू माँ 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 क्या हुआ? माँ फल, माँ फल। मेरे और उसको हाथ लगाता है साले। अरे जान दो भाई वो पागल पागल। माँ फल, माँ फल, माँ फल। क्यों घर रोज आती हो? खत आने पर मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। मुझे जरा कमरे की चाबी दो। मुझे घर में सोना सोना लगता है, तुम्हारे बिना कुछ नहीं सोचता। आज मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी। आज बड़ी जल्दी जा रही हो, क्यों क्या हुआ? अरे वो रधिया, रधिया पानी लाना जल्दी। अरे खड़ी क्या है, सिर पर पानी छिड़कना। हंसती क्या है, चक्कर आ गया, जरा छिड़कना पानी। पानी तो तेरे सिर ना चाहिए। अरे इस चक्कर और उपला इन्हें हंसे ना तो क्या करे। माँ फल, माँ फल। अबे पागल है क्या? ये ले। ऐसे होगा पार। हाय मोरी दैया, हाय मोरी दैया जिया घबराए रे। हाय मोरी दैया जिया घबराए, कर जवा तड़प तड़प रही जाए, तड़प रही जाए जिया घबराए रे। हाय मोरी दैया जिया घबराए, कमरिया लटक लटक रही जाए, लटक रही जाए, लटक रही जाए। कमरिया चमक चमक रही जाए, चमक रही जाए जिया घबराए रे। हाय मोर दैया, हाय मोर दैया जिया घबराए। जाड़े की रात में निंदिया नुआर, हाय निंदिया नुआर। मोरे बालों को खाते सुतार, हाय खाते सुतार। कहीं उनके कमर दुखे जाए, हाय कमर दुखे जाए, कोई कमर दुखे जाए। हाय मोरी दैया, हाय मोरी दैया जिया घबराए। खिड़की के सामने
पान की दुकान है। पान की दुकान है, पान वाले छेना मेरी पहचान है। अच्छा, मेरी पहचान है, पान पहचान है, पान पहचान है। पान मंगल की रात चली जाऊंगे साथ, चली जाऊंगे साथ, चाहे बूढ़ा रो रो के मर जाए, हाय रो रो के मर जाए, रो रो के मर जाए रे, हाय मोरी भैया, हाय मोरी भैया जिया घबराए रे, हाय मोरी भैया जिया घबराए। तुम तो कहते थे कि तुम्हें लड़का होगा तो फिर लड़की कैसे हो गई? चुप जा, सो जा, बहुत शोर मचाने लगी है। कहाँ गए थे? भगवान के मंदिर में। भगवती के मंदिर में? हाँ हाँ, तो कहना क्या चाहती हो? कहने से क्या फायदा, चंदू जो कहता था ठीक था। होगा, तुम्हें क्या होगा? ये कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने बूढ़े हो गए फिर भी मलिक से खाने की आदत नहीं गई। कौन बूढ़ा हो गया? कौन, बड़ी छोकरी का आदमी मर गया, नहीं तो अब तक तीन चार नाती पोते हो जाते। मेरे चाहे नाती पोते होते या परनाती हो जाते, लेकिन तुम तो एक लड़का पैदा नहीं कर सकी। तो मैं तो अभी बूढ़ी नहीं हो गई? जरा अपना मुंह देखो आईने में। तो मैं क्या तुम्हारी तरह जवानी की गोलियां खाती हूँ? मैं चाहे जवानी की गोलियां खाऊं, चाहे कुछ भी करूं, तुम्हें क्या? धीरे बोलो, शोर न मचाओ। अपने घर में तुम्हें कुछ गांव का लिहाज तो होता है, यहाँ है कि बस सब बेच कर खा जाते हो। मैं अभी जाती हूँ। क्यों क्यों बहनोई साहब, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, कल हम जा रहे हैं। माँ फल प्रेमा चल जा। काहे की फिक्र पड़ी है? उदय बाबू बहुत भले हैं, वो जरूर आएंगे। माँ को जरा भी आराम हुआ कि वो फौरन आएंगे। मुझे एक नया मकान भी खोजने को कहा है आपके लिए। पढ़ते डोले रे, गिरते पढ़ते डोले रे, दादी की आंखों का तारा मक्कर माँ बोले रे, फूल उठे मैया के मन की नन्नी सी फुलवारी रे, नन्नी सी फुलवारी रे, तो नहीं निरा
प्यारे दुनिया प्यारे प्यारे रे दुनिया प्यारे प्यारे रे बाबू आए हाँ हाँ बाबू आए लाल जरा गोदी में जाना लाल जरा गोदी में जाना छोड़ो जी छोड़ो तुमको आए ना खिलाना छोड़ो जी छोड़ो तुमको आए ना खिलाना मुन्ना को तो लगती है अम्मा की गोदी प्यारी रे माँ की गोदी प्यारी रे ओ नई निराली दुनिया प्यारी प्यारी रे दुनिया प्यारी प्यारी रे उदय 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 समा दीदी ये देखो एक नन्हा मुन्ना बच्चा बिंदिया सिंदूर ये तुमने क्या किया सिंदूर और बिंदिया छिपा सकती हो लेकिन अपना पाप कैसे छिपाओगी माता जी धीरे बोलो मुझे माता न कहो तुम जानती हो विधवा कोई बिंदिया सिंदूर नहीं लगा सकती हाँ जानती हूँ तो तूने सिंदूर क्यों लगाया इसलिए कि मैं विधवा नहीं हूँ क्या कहा तू विधवा नहीं है बिंदिया लगाने से विधवा कभी सुहागिन बन सकेगी क्या तू ये चाहती है कि शहर में मुंह दिखाने के लायक न रहे मिटा दे ये बिंदिया नहीं मैं कहता हूँ मिटा दे ये बिंदिया ये झगड़ा मैं ही मिटा देती हूँ माता जी मैं ये बिंदिया नहीं मिटाने दूंगी ये मेरे सुहाग की निशानी है सुहाग की निशानी सुहाग पापी क्या पाप किया तूने मैंने पाप नहीं किया शादी की है शादी अपनी माँ की तस्वीर के सामने तो तेरी ये माँ मर गई थी हाँ मुझे क्यों पूछने लगी किसी आवारा से मोहब्बत हो गई तुझे वो आवारा नहीं वो बहुत अच्छी है तो आपने उस अच्छे के साथ क्यों नहीं चली गई उनकी माँ बीमार है वो अपनी माँ को बहुत चाहते हैं माँ के अच्छे होते ही वो आएंगे जरूर आएंगे जरूर आएंगे मुझे ले जाने के लिए उस पापी को हमारी इज्जत लूटनी थी लूट कर चला गया अब वो क्या आएगा अब तो तुझे ही वहाँ जाना पड़ेगा निकल जा मेरे घर से नहीं मुझे इस घर से ना निकालिए मैं ये घर छोड़कर कहाँ जाऊँ जहाँ भी जगह मिले लेकिन तू यहाँ नहीं रह सकती इस हालत में आप अपने बेटे को ठुकरा कर बाहर निकाल रहे हैं चाहे लाडली बेटी नहीं लेकिन बेटी तो हूँ मुझ पर नहीं मेरे सोने वाले बच्चे पर रहम कीजिए मैं तो देखते ही समझ गई थी पीला पीला बदन सूखा सूखा मुंह यहाँ तक नौबत आ गई घर पे बुला लिया होगा राम मंदिर वाले राजकुमार को हम लोग अमोला में थे और यहाँ तू यही सब धंधे करती रही मैंने कोई धंधा नहीं किया शादी की है ये कोई ऐसी बात है जिससे एक पिता अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल दे एक पापिन को अपनी बेटी कहना और उसके बच्चे को इस घर में जगह देना मेरे लिए शर्म की बात है निकल जा मेरे घर से मेरे घर में रहने से आपकी इज्जत इतनी बड़ी दुनिया में आवारा लोगों के दरमियान जब आपकी बेटी रहेगी तब आपकी इज्जत ना जाएगी मेरी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी जो होना था हो चुका अब तो अपना मनुष्य चेहरा लेकर यहां से चली जा माँ आज आप मेरी सौतेली माँ ना बनिए मेरी माँ बनिए मेरी मदद कीजिए अब दुख में मुझे माँ कहकर पुकार रही है आप मेरी माँ है एक औरत है आपके पहले में माँ का दिल है आप मेरी हालत समझ सकती हैं आपको अपने नन्हे बच्चे की कसम आप मुझे घर से ना निकालिए
अच्छी स्त्री एक पापिन की मदद नहीं कर सकती। माँ, मैंने पाप नहीं किया, सच कहती हूँ पाप नहीं किया। आपके पास शुक्र कहती हूँ, मैंने पाप नहीं किया। तो इस काबिल नहीं कि मेरे पैर भी छू सके। मैं अपने पैर छू सकती हूँ, आप मेरे पिता हैं। आज से तेरा पिता तेरे लिए मर चुका है, निकल जा यहाँ से। तकदीर में लिखा है मेरी ठोकर खाना, बेदर्द जमाना, बेदर्द जमाना, अब कौन सुने दिल की कहानी मेरे, पोछेगा कौन आँखों का पानी मेरे, ये दिन ही दिखाना भल क्यों प्यार किया, क्यों प्यार किया, मरने न दिया जीना भी दुश्वार किया, आजा न चार दिन की तुम्हें प्यार निभाना, हाय प्यार निभाना, बेदर्द जमाना, मैया ने मुझे छोड़ दिया, बाबुल ने मुख मोड़ लिया, साजन ने दिल तोड़ दिया, हाय इस दर्द की मारी का रहा कौन ठिकाना, इस दर्द की मारी का रहा कौन ठिकाना, मैं किसके आगे रो मैं सुना हूँ ये खजाना, सुना हूँ ये खजाना, दर्द जमाना है, रात अंधेरी मेरे दिल में है अंधेरा, मेरे दिल में है अंधेरा, उजड़ा हुआ है रात मेरा कल का बसेरा, हाय कल भगवान मेरी जान
ठीक है। अरे भाई, यहाँ उदय बाबू कोई रहते गांव में? क्यों, इनको जरा मिलना है। उदय बाबू से मिलना है? हाँ। कहाँ से आई हो बिटिया? राधा नगर से। तुम उदय को जानती हो? हाँ। तुम उनके साथ कॉलेज में पढ़ती थी क्या? नहीं। तो अच्छा अच्छा, तुम्हारे नाम सरला है? हाँ। आपको कैसे मालूम हुआ? ओ, आप ख्याल में आए। पहले दफे जब उदय बाबू यहाँ आए थे तभी तुम्हारा जिक्र करते थे अपनी अम्मा से। अब वो कहाँ है? कहा तुम्हार ब्याह हुआ रहा उनके साथ? क्यों, बोलते क्यों नहीं, क्या हुआ, उनकी माँ कैसी है? माँ तो बेचारी गुजर गई। और वो कहाँ है, मेरे पास क्यों नहीं आए? क्या कहें, तुम्हारी और उनकी तकदीर। तकदीर बताते क्यों नहीं, साफ साफ बताओ वो कहाँ है? बिटिया, तुमको तो मालूम है माँ की तरफ से उनका जी कितना कमजोर है। हमने तार दिया तब तो बेचारे आए, मगर भगवान का कोप, पहुँचने के पहले ही माँ चल बसी। कमजोर मन उनका सहा न गया, एकदम न जाने क्या पागल की तरह बड़बड़ाने लगे। कितना समझाया, धर पकड़ किया, मगर सब बेकार, सचमुच पागल हो गए। पागल हो गए? वो पागल हो गए? हाँ, पागल हो गया। स्टेशन पर घूमता फिरता है पर वो घर नहीं आता। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। चल हट, आया कहीं का पागल, क्या हुआ? अरे इसके पेट में तो बच्चा है, इसे कहीं अस्पताल ले चले। अरे भाई, अस्पताल तो बहुत दूर है, यहाँ के अनाथ आश्रम में ले चले। मेरे साथ एक फोटो थी, यहाँ कोई लाया है? दफ्तर में पूछना होगा। देखिए, अगर है तो ला दीजिए, मेहरबानी होगी। देखती हूँ। जी, मैं हूँ यहाँ का मैनेजर, तुमसे कुछ पूछना है। आ गया, लाइए फॉर्म मुझे दीजिए, मैं सब कुछ भर दूंगी। आप क्यों बिचारे को तकलीफ देते हैं? मैनेजर साहब, मेरा एक काम कर सकते हैं? वो पागल हो गए हैं, रेल की सीटी सुनते, वो इधर उधर स्टेशनों पर भटकते फिरते हैं। ये उनका फोटो है, अखबार में छपवा दीजिए, जो इनका पता लगाए उसे 25 रुपए इनाम दीजिए। 25 रुपए इनाम? और पैसे कौन देगा? ये लीजिए मेरा बचा हुआ हार, इसे बेच के इनाम भी दीजिए। अरे वाह, ये भी कोई बात है, भला इनाम मिले और काम न हो, अभी तलाश करता हूँ। 25 रुपए, नकद इनाम। इस पागल का पता लगाने वाले को Thank you.
सरला सरला अरे पागल तू पागल मैं पागल नहीं हूं मैं तो बिल्कुल अच्छा हूं मगर तुम यहां आए क्यों हो मैं सरला से मिलने आया हूं सरला से हां सरला से वो मुझे अच्छी तरह जानती है आप ही सरला के पिता है ना जरा बुला दीजिए उसे पागल अरे तुम तो वहां मेरे लिए फल लाए थे अब क्या लेके आए हो अब तो ये लड़ने आया है और कहता है जिगर हमारा है इनका है इनके ससुर का होगा हाँ सचमुच ये मेरे ससुर का घर है सरला मेरी पत्नी है लो माँ का पागलपन खत्म हुआ तो अब पत्नी का शुरू हो गया मैंने सरला से शादी की है शादी हाँ शादी इसी घर में सरला की माँ की तस्वीर के सामने सरला ने कहा नहीं आपसे मेरा नाम उदय है हाय भगवान तो क्या यही वो पापी तो मेरी खानदानी इज्जत पर कलंक का टीका लगाने वाले उदय तुम ही हो मैं नहीं चाहता किसी की खानदानी इज्जत पर कलंक का टीका लगे सरला ने मुझे सब कुछ बता दिया है तुम्हारे बारे में तुम उसके साथ कभी अच्छा सलूक नहीं कर सकते इतना अच्छा होते हुए भी तुम अपनी बेटी का दिल नहीं समझ सकते मैं उसे ले जाने आया हूँ कहाँ है वो जहन्नम में मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया है क्यों नहीं तो क्या मैं उसका बच्चा खिलाने बैठता बच्चा तो क्या उसे बच्चा हो गया था हो नहीं गया था होने वाला था और ऐसी हालत में तुमने उसे घर से बाहर निकाल दिया विधवा थी वो और उसका लावारिस बच्चा लावारिस न कहो उसका बाप मौजूद है बाप छुचेड़ा और बाप पापिन उसे पापिन न कहो वो एक ब्याहता स्त्री थी तुमने एक ब्याहता स्त्री को जब वो मां बनने वाली थी घर से बाहर निकाल दिया वारे ब्याहता स्त्री विधवा होकर भी हमारे समाज में फिर कोई ब्याहता होती है क्यों नहीं जब तुम बूढ़े होकर भी तीन तीन शादियां करके अपने जवान बीवी से मोहब्बत के चोंचले कर सकते हो तो एक नौजवान बाल विधवा अपनी शादी क्यों नहीं कर सकती हमारा लड़के मुंह संभाल कर बात कर अपनी लड़की की शादी करने या न करने का जिम्मेदार मैं हूँ मैं उसका बाप हूँ अपने आप को बाप कहकर इस लफ्ज को बदनाम न करो जानते हो बाप का क्या फर्ज है बड़ा आया बाप का फर्ज समझाने वाला तुमने उससे शादी की थी ना तो उसे अकेले छोड़कर क्यों चले गए आवारा गर्दी करने माँ के ज्यादा प्यार ने मेरी सुध-बुध भुला दी थी वारे माँ का प्यार माँ के प्यार ने सुध-बुध भुला दी थी सरला को फंसाकर और किसी के पीछे पागा होगा वहां से थप्पड़ मिला होगा तो लौट आए बच्चू फिर सरला के फेर में जानते हो प्रेम क्या चीज है क्यों नहीं प्रेम दुनिया की खूबसूरत हसीन लड़कियों को फंसाने का सिर्फ एक मीठा सा लफ्ज है और माँ का प्रेम वो भी अपने प्रेयसी को फंसाने का एक बहाना है तुम आदमी नहीं जानवर हो खामोश मैं तुम्हारा ये बकवास नहीं सुन सकता निकल जा मेरे घर से सरला से इतना प्यार है तो जन्म में जा तूंगी डूब मर उसी के साथ किसी नदी में माली रधिया ये रधिया मालिक का दिया हुआ अखबार लाना जल्दी ये देखिए आपका फोटो माली सरला नाथ आश्रम में है मैं अमोला जाता हूँ अरे हाँ हाँ वही पगला माँ फल वाला तो पोर्टर ने तुमसे ठीक कहा था वो तो कभी कभी यहाँ आता था मैं उसे फल देता था आपने आज कहीं उन्हें देखा है आज तो कहीं नहीं देखा
प्रभु जी आदि शरण तिहारी, प्रभु जी आदि शरण तिहारी। मैं खोज खोज कर हारी, मैं हारी मैं हारी, प्रभु जी आदि शरण तिहारी। कोई न मोहे राह बताए, कोई न मोहे राह बताए, सारा जग भरमाए। पिया जगत की आस लगाए, भटक रही दुखियारी, भटक रही दुखियारी। शरण तिहारी प्रभु जी हारी, शरण तिहारी प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी। जब मरने को जी कहता था, तब जी को मजबूर किया। अब जीने के दिन आए तो जीने का सहारा दूर दिया। अब पान जगाए मेरे दिन, अब पान जगाए प्रभु जी हारी, शरण तिहारी प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी। मैं खोज खोज कर हारी, मैं हारी मैं हारी, प्रभु जी हारी, शरण तिहारी प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी। बेटी रात बहुत हो गई, आरती हो चुकी, भगवान सो गए, अब किवाड़े बंद हो जाएंगे, बाहर चलो। मुझे भगवान के घर से क्यों निकालते हो? भगवान, क्या तू भी मुझे अपने घर से बाहर निकालना चाहता है? प्रभु का यही घर नहीं, सब घर प्रभु के हैं। वो आप दया कर और मुझे दरवाजा बंद करने दे, बाहर जाकर बैठ और सारी रात भगवान को पुकारती रहे। क्यों बेटी, क्या हुआ? मेरी बदनसीबी, भगवान ने भी मेरे लिए दरवाजे बंद कर लिए हैं। साफ साफ बताओ क्या बात है? क्या बताऊं, कहां कहां अपना दुख रहा हूं। ऐसा क्यों कहती हो, मुझसे बताओ, जहां तक होगा मैं तुम्हारी मदद करूंगी। औरत ही औरत का दुख दर्द समझ सकती है, कौन जाने भगवान ने ही आज हमारी तुम्हारी यहां मुलाकात कराई हो, कदाचित मेरे ही कारण तुम्हारा काम हो जाए। बिल्कुल अकेले हो, तुम्हारा आदमी कहाँ है? उन्हीं को तो ढूंढ रही हूँ। क्यों? वो माँ की मौत से पागल हो गए, माँ माँ फल फल चिल्लाते इधर उधर दौड़ते फिरते हैं। हाँ हाँ, उसको तो मैं जानती हूँ, वो एक दिन माँ माँ फल फल करते मेरे पीछे लगा था, मैं उसे अपने आश्रम में ले गई थी। क्या सच? तो क्या मैं झूठ कहती हूँ? लेकिन आज आपने उन्हें कहीं देखा है? रोज रात को मेरे आश्रम में रोटी लेने आता है, आज मेरे आश्रम में चलो देखो, मिल गए तो ठीक है, नहीं तो कल फिर आना। तब तक मैं आश्रम के लोगों से कह दूंगी कि उससे तलाश करके मेरे आश्रम में ले आए। भगवान की दया थी जो आज तुमसे मुलाकात हो गई। मालूम होता है
भगवान ही तुम्हें सुखी देखना चाहते हैं। माँ, मुझे अपनी माँ ही समझो। तुम जैसे अनाथ बच्चों की माँ बनने के लिए भगवान राम ने मुझे यहाँ भेजा। आंसू पोछ लो, तुम बहुत थकी हुई मालूम होती हो। चलो मेरे साथ आश्रम में। आप मुझे कहाँ ले आई? यहाँ तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। बेटी, ये जमाना ही ऐसा है। आजकल सेवा करने वालों की कोई मदद नहीं करता। मेंसी बेल्टी ने हमारे आश्रम के लिए रोशनी भी नहीं दी। लेकिन घबराओ नहीं, यहाँ बाहर अंधेरा है, अंदर उजाला जगमग जगमग कर रहा है। यह है हमारा चौकीदार, बहुत अच्छे स्वभाव का है। किसी औरत को अगर कोई तंग करे या मारे तो ये फौरन बचाता है। बस इस तरह दो तालियां बजाने की देर है और ये झट मदद के लिए आ जाता है। और इसे लालच भी बिल्कुल नहीं। सारी उम्र में एक बार भी इसी ने किसी औरत को नजर उठाकर नहीं देखा। रात अंधेरी पर सन हो, रात अंधेरी पर सन हो, साजना मोरे तोरी, बालमा मोरे तोरी, हो बालमा मोरे तोरी, तोरी तोरी बात हो। रात अंधेरी पर सन हो, रात अंधेरी पर सन हो, साजना मोरे तोरी, बालमा मोरे तोरी, हो बालमा मोरे तोरी, तोरी तोरी बात हो। गाना बजाना और हंसना खेलना थके हुए आदमी को आराम देने के लिए। ये है तुम्हारा कमरा। स्वर्ग में, खुशियों के संसार में, यहाँ तुम्हें खाने पहनने किसी चीज की कमी नहीं। तुम यहाँ अप्सरा की तरह रहोगी। यहाँ तेरे सिवाय तेरी पुकार कोई नहीं सुन सकता। भगवान राम का मंदिर यहाँ से बहुत दूर है। लड़की, कपड़े बदल ले और श्रृंगार का सामान ले। एक रंगीन साड़ी पहन, होठों को लाल कर, गालों पर लाली लगा, आंखों में काजल और बालों में महकता। डायन, ममता के ढोंग का जाल फेंक कर तू मुझे इस नरक में ले आई। क्या जाल के बिना भी पंचे हाथ में आता है? तू और होते या देवी, जो कुछ भी मांगे वो देने वाली देवी। मैंने तुझसे ये पाप का जीवन नहीं मांगा था। भोली लड़की, इस पाप के जीवन में जो मिठास है उसका मजा अभी तक तूने नहीं चखा। एक बार चखते ही तेरी रग रग नाच उठेगी। चुड़ैल, छोड़ दे मुझे, दूर हो मेरे रास्ते से, जाने दे मुझे। आप, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब लोग यहीं आएंगे। भगवान, उसने ही तो तुझे मेरे पास भेजा है, तू तो उसका प्रसाद है। आज मुझे उसकी सेवा का फल मिला है, अब मेरा खूब कारोबार चलेगा। कारोबार? छोड़ छोड़ दे मुझे, मैं गंगा में डूबकर जान दे दूंगी। गंगा बेचारी को तेरी जान लेकर क्या मिलेगा? मेरे हवाले कर, मैं इसे सोना चांदी बनाऊंगी। कभी कोई माँ को भी मारता है? या लड़पन छोड़, एक अच्छी सी साड़ी और जेवर पहन ले। आग लगे तेरी साड़ी में, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, जाने दे मुझे, जाने दे। ललिता
ये कमीनी औरत मुझे यहाँ फंसा कर लाई है, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं शरीफ घर से लड़ती हूँ, तुम अच्छे स्वभाव के हो, फौरन दौड़ कर मदद को आते हो ना। मुझे इस नर्क से छुड़ाओ, मुझे बाहर जाना है, अपने पति को तलाश करना है, अपने नन्हे बच्चे को देखना है। मेरी मदद करो, मेरे भाई बनो। तुझे यहाँ फंसा के लाई है? राम राम राम, तू यहाँ नहीं रहना चाहती? तू शरीफ घर की लड़की है, शरीफ घर की लड़कियों के लिए यह नर्क है। सच कहती है तो मैं तेरी शराफत ही निकाले देता हूँ और तुझे भी यहाँ की औरतों जैसी बना देता हूँ। यहाँ कोई किसी का भाई नहीं बनता। जाल में आई हुई मछली कहाँ जाएगी, किसी न किसी के मुंह में। भाई जी, हर साल यात्रा के लिए जो शेठ साहब आते थे वो आ गए हैं। है सचमुच? तेरा आना मुबारक, आज मेरा दिन सोने का और तेरी रात चांदी की। आइए आइए शेठ साहब। एक बरस के बाद आपके दर्शन हुए। जानते नहीं, लक्ष्मी पूजन का दिन तो साल में एक बार ही आया करता है। पिछले वर्ष सेठ जी ने एक लड़की फूलझड़ी को बहुत पसंद किया था, मैंने उससे कहला भेजा है, सेठ जी आ गए हैं। अरे जाने भी दो, कभी बड़े आदमी भी पुराने कपड़े पहनते हैं, पुराने कपड़े तो गरीबों के लिए हैं। इस बार इनके लिए मैं एक नया तोहफा लाई हूँ। एक बार अगर उस लड़की के बाजू आपके गले से लिपट जाए तो आपको ऐसा मालूम होगा जैसे रात की रानी का हार पहन लिया, और वो भी आज खिली कलियों का। आप पर ऐसा जादू हो जाएगा कि एक महीने से पहले आप यहाँ से जा भी नहीं सकेंगे। आइए। तुम्हें राम की सुगंध मेरे बदन को हाथ न लगाना। सरला, जब मैं छोटी सी बच्ची थी, अगर आपने उसी वक्त मुझे बाप का प्यार दिया होता और मेरी तरफ ध्यान दिया होता तो आज आपको इस नर्क में न आना पड़ता और मुझे आपके मुंह से साफ साफ इस्तहाना सुनाना पड़ता। सरला, मुझे माफ कर दे बेटी, तूने आज एक आवारा दिल, रंगीन मिजाज और पापी इंसान को प्रेमी बाप बना दिया। तेरी माता से मैंने जो वादा किया था वो भी मैं भूल गया। सारी उम्र में पहली बार मैं अपनी बेटी के कंधे पे बाप के प्रेम से हाथ फेर रहा हूँ। भगवान मुझे माफ कर दे, मेरे सब जी हुए पाप आज मेरी आंखों के सामने नाच रहे हैं। तेरी छोटी उम्र में मैंने तुझे प्यार से गोद भी नहीं उठाया और चंदू ने नौकर होते हुए भी मुझसे ज्यादा प्यार तुझे किया और उसे मैंने बिना सोचे समझे घर से निकाल दिया। तेरा पति उदय अच्छा होने के बाद तुझे ले जाने आया था, उसे ही मैंने घर से निकाल दिया। पिताजी, वो अच्छे होकर आए थे मुझे ले जाने के लिए? हाँ बेटी, वो आया था। उदय, भगवान तुम्हें सुखी रखे, जहाँ भी रहो सुखी रहो। मैं भी अपने बच्चे को लेकर तुम्हें ढूंढने आती हूँ। बच्चे को लेकर? मैं तो समझा था कि बच्चा। ऐसा ना कहिए पिताजी, भगवान मेरे बच्चे की उम्र लंबी करे, उसके पिता भी जिंदा हैं और अच्छी हालत में हैं। लेकिन बच्चा है कहाँ?
यहाँ के एक आश्रम में। मेरा नाती और आश्रम में? आइए आइए, निकालिए मेरा इनाम। क्या वो मिल गए? उदय बाबू, उदय बाबू। और मेरा इनाम ये आश्रम की थैंक यू।